वेलकम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़र, होममेड मॉइस्चराइज़र आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसका बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलता है, 100% वर्क करता है, स्किन को ग्लो देने के साथ सॉफ्टनेस देता है, स्किन को खूबसूरत बनाता है। चूँकि विंटर का सीज़न जब स्टार्ट होता है तो हमारी स्किन जो होती है, चाहे चेहरे फेस की स्किन हो या हाथों पैरों की, जो है स्किन हमारी डैमेज होनी शुरू हो जाती है, स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, इसके साथ ही जो है स्किन हार्ड हो जाती है। तो ऐसे में एक विंटर के सीज़न में हमें एक बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 100% वर्क करता हो, स्किन को सॉफ्टनेस देता हो। तो आज मैं अब जो मॉइस्चराइज़र बनाने जा रही हूँ, होममेड है, क्योंकि वो होममेड होने के साथ साथ हद अच्छा सा रिजल्ट देता है। और आपको पता होगा, जब चीज़ें ऐड करेंगे तो आपको अंदाज़ा पता रहेगा कि आपने क्या चीज़ों को ऐड किया है, तो उसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो होममेड चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छा वर्क करती हैं, तो इसके लिए जो है मॉइस्चराइज़र जो हम बनाने जा रहे हैं, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है बलाई की, क्योंकि फ्रेश मिल्क जो है हर घर में इस्तेमाल होता है। तो आप उस बलाई को जो है खाने के साथ साथ उसको अपने चेहरे पर लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस मॉइस्चराइज़र को बनाने के लिए। तो इसके लिए एक हमें चाहिए खाली बॉल, ये हमें शीशे का हमने बॉल जो है खाली एक ले लेना है। इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं बलाई को, आपने फ्रेश बलाई लेनी है। दो टेबलस्पून के करीब ये बलाई है, ये दो टेबलस्पून के करीब मैंने बलाई ले लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर हम जिन चीज़ों को ऐड करने जा रहे हैं वो सारे जो है स्किन को वाइटनिंग देने के लिए, स्किन को ग्लो देने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं हल्दी को, 1/4 के करीब जो है इसके अंदर हम हल्दी को ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं कॉर्नफ्लोर को, 1/2 टीस्पून के करीब जो है ये कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है हमने इसके अंदर। इसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लेमन जूस, ये आधा लेमन है, आधा से आधे का भी आधा लेमन है, हाफ उसको हम ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेंगे इसके अंदर। इसके अंदर जो हमने हल्दी ऐड की है, हल्दी वाइटनिंग इफेक्ट देता है, स्किन को एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, आपकी और इस एक्ने से निजात दिलाएगा, बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट देगा। इसके अलावा जो है ये जो हमने लेमन ऐड किया है, लेमन भी जो है स्किन को वाइटनिंग देता है और इसके एक्ने से निजात दिलाता है, बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं एक विटामिन ई का एक कैप्सूल ऐड कर देंगे, एक कैप्सूल ऐड करना है विटामिन ई का। विटामिन ई जो है स्किन को जो है सॉफ्टनेस देने के साथ साथ रिंकल को ख़त्म करने में हेल्प करता है, ये रिंकल्स को भी ख़त्म करेगा, स्किन को सॉफ्टनेस देगा, स्किन को ग्लो देगा। और इसके अंदर जो हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, कॉर्नफ्लोर जो है ये भी रिंकल्स को ख़त्म करता है, हाँ ये और स्किन की कोलेजन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। ये हमारे जो क्रीम जो फॉर्म में देखें इसको, ये हमारा रेडी हो गया, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही इसके अंदर हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है हनी। हनी जो है यानी कि शहद जो है हमारी स्किन को जो है सॉफ्टनेस देता है। इसके अंदर हनी को हम बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी में ऐड करेंगे, ये देखिए थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करेंगे हनी को, जैसे कि ये स्किन को सॉफ्टनेस देगा, स्किन को ग्लो करेगा। अब ये इस मिक्सचर को जो है हमने रेडी कर लिया है, ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। इसको रात में जो है आपने चेहरे को अपना वॉश कर लेना है, वॉश करने के बाद जो है इसको अपने चेहरे पर लगा के हल्का हल्का इसको मसाज करना है, और मसाज करने के बाद आप इसको जो है छोड़ देंगे वो ओवरनाइट के लिए। फिर उसके बाद जो है सुबह मॉर्निंग में आपको आप फेस वॉश कर लेंगे या फेस जो है अपना अच्छी तरह से धो लेंगे किसी अच्छे साबुन से, अच्छे फेस वॉश से। उसके बाद आपकी कोई भी लोशन अप्लाई कर सकते हैं, आपकी स्किन जो है दिन ब दिन सॉफ्टनर हो जाएगी, स्किन ग्लो करेगी, आपको खुद इसका अच्छा बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसको मैं सर्दियों में अप्लाई करती हूँ और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है मुझे।
तो मैंने अभी इसकी इस रेमेडी को आपके साथ शेयर किया है ताकि आपकी स्किन भी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट हो जाए और स्किन ग्लो करे। स्पेशली ये जो है क्रीम जो है ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इनके ड्राई स्किन को जो है इसमें सॉफ्टनेस देगी, इसके अलावा जो है स्किन को ग्लो देगी। स्किन विंटर में जो है स्किन हमारी डैमेज होती है, ग्लो नहीं करती है, तो ये आपकी स्किन जो है ग्लो करेगी और आपकी स्किन खूबसूरत हो जाएगी। ठीक है, ये एक रेमेडी हो गई है। इसको अब जो है इसके हम हाथों और पैरों के अप्लाई करने के लिए अब इसी चीज़ को जो है इस क्रीम को जो है आपने बना के रख रख लिया है। इसको जो है आप एक बाउल में ले लेंगे, जितने आपको क्वांटिटी में आपको चाहिए। ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ले लिया इसके अंदर। ठीक है, ये 1 टेबल स्पून बहुत है। फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बेसन को। ये बेसन है मेरे पास, ये 1 टीस्पून के करीब बेसन है। 1 टीस्पून बेसन ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये हमारा बेसन जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये हमारा एक मिक्सचर जो है हमारा रेडी हो चुका है। ये अच्छी से तरह से एक मिक्स कर लेंगे ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाए और ये पेस्ट फॉर्म में आ जाए। अच्छी तरह से एक पेस्ट फॉर्म में आ गया है। अब इसको जो है आप अच्छी तरह अपने जब हाथों और पैरों पे लगाएंगे, इसको हाथ और पैरों पे लगा के हल्का हल्का इसका मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद 5 मिनट इसको मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद इसको आप छोड़ देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसको रब करते हुए आप इसको उतार लेंगे। ये जो है आपके जो है जितने भी हाथों और पैरों के मैल है इसको जो है रिमूव कर देगा और स्किन को सॉफ्टनेस देगा, स्किन को ग्लो देगा। आपकी स्किन हाथों और पैरों की स्किन भी खूबसूरत होगी, इसके साथ ही आपके चेहरे की स्किन भी खूबसूरत हो जाएगी। आपकी स्किन को जो है ये रेमेडी बहुत ही खूबसूरत करने वाली है, बहुत ही जल्दी बनने वाली आसान रेमेडी है। इसको आप डेली बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों मिक्सचर को आप हाथों और पैरों के लिए भी और फेस के लिए भी आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं और वीक में भी आप 3 से 4 मरतबा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप इसको डेली बेसिस पे अगर इस मॉइस्चराइजर को फेस के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी और जो है मॉइस्चराइजर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस समय ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेस्ट मॉइस्चराइज़र है स्किन के लिए, स्किन को ग्लो देने के लिए, स्किन को वाइटनिंग देने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र हमारा होममेड मॉइस्चराइज़र रेडी है। इसको बनाएं और इसको लगाएं और अपनी स्किन को खूबसूरत बनाएं, चेहरे को खूबसूरत बनाएं। जो भी देखेगा वो आपके चेहरे की तारीफ किए बगैर ना रह सकेगा। तो बनाइए इस रेमेडी को, इस्तेमाल करना शर्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।